हेलो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास है क्लास इंग्लिश मीडियम साइंस। अपन ने काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं ना, काफ़ी सारे फॉर्मूले वगैरह देखे हैं। और उसके बाद कौन सा फॉर्मूला दिखा रहा है, फोर्स क्या होता है, एक्सीलरेशन मेजर क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, और एक्सीलरेशन के काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी अपने देखे थे। उन लोगों ने देखा था कि एक्सीलरेशन किस टाइप से डायरेक्शन पे डिफाइन करता है, डायरेक्शन से, और एक्सीलरेशन से कैसे फोर्स की डायरेक्शन अपन निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें एक डायरेक्शन ले लो, की डायरेक्शन है पॉजिटिव डायरेक्शन, जिसमें नेगेटिव डायरेक्शन। लेट्स सपोज एक पार्टिकल, एक पार्टिकल ए इज मूविंग equal to 1, acceleration equal to 0.8.
एग्जांपल ये चीज क्लियर होना चाहिए किस स्टेप से अपने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की, किस स्टेप से अपने एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की। अगर ये चीज नहीं आती है तो उनको इस एग्जांपल को क्लियरली समझना है कि 2 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, फाइनल वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड, मास इज गिवन एज वेलोसिटी, डिफरेंस इन ऑफ टाइम इज टाइम साइड, दिस वन इज इनिशियल दिस वन इज फाइनल एंड वैल्यू इज टाइम साइड एंड फाइनल कभी भी अगर अपन को गिवन है डाटा तो उससे अपन फोर्स और एक्सीलरेशन की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। अगर इस एग्जांपल के बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस टाइप से वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है। What is the meaning of minus 1 meter? The direction of
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1.1 m/s² माइनस साइन रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. क्लियर? देन फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. वैल्यू ऑफ मास, मास इज इक्वल टू गिवन एज 5 kg, दैट 5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1.1, देन द वैल्यू विल बी -5.5 newton. What is the meaning of minus sign here? The value of force will be in negative x direction. Meaning, this force is opposing the motion. मतलब क्या हुआ? मतलब जो particle जैसे move कर रहा है अपने direction में, तो ये force उसके motion को oppose कर रहा है, उसको रोकने का try कर रहा है. Clear? तभी तो इसकी value 20 से down हो जाएगी. जो वैल्यू है वो वैल्यू जो वैल्यू है -5.5 और माइनस साइन यही रेफर करता है कि जो फोर्स है वो इस मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. करेक्ट? और नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो एक नया वर्ड क्या बोल सकते हो, रिटार्डेशन. जनरली आप नेगेटिव एक्सीलरेशन बोलते हो या रिटार्डेशन को पाते हैं. तो आज के लिए ये दो एग्जांपल्स आप लोगों से पढ़ते हैं. दोनों एग्जांपल्स में क्लियर है कि किस टाइप से फोर्स मेजर करना है, किस टाइप से आपको एक्सीलरेशन मेजर करना है. क्लियर? इजी एग्जांपल है. एक एग्जांपल जो आपको घर से करना है, होमवर्क के लिए होती है. होमवर्क क्या है? 20 m/s, दिस वाज 10 m/s टाइम. क्लियर? मास 40 kg, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन. इजी एग्जांपल है. ठीक है, चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी सब देखते हैं.